स्टार मेकर पे एक बहुत ही अच्छा इवेंट आया हुआ है जो सिर्फ पार्टी रूम ऑनर के लिए है, ठीक है। वो सिर्फ ऑनर वो उन लोग के लिए है जिनका रूम लेवल 3 लेवल से हो और एक ही फैमिली के हो, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल। तो बिना स्किप किए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपको फैमिली पीके दिख रहा होगा, ठीक है। फैमिली पीके है आपको रूम के लिए। पहले आता था फैमिली पीके कि डायरेक्ट आप डिफेंस को भी फैमिली पीके बना देते थे, और कुछ भी ऐसा ही कुछ जितना भी पीके रूम पीके आता था वैसा ही कुछ है इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप कुछ दिनों के बाद ही रजिस्टर करने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उधर से, तो ही आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाइएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फुल प्रोसेस। इसमें पहला चीज़ आपको दिया हुआ है कि आपकी फैमिली का 4 ऐसा मेंबर होना चाहिए जिसका रूम लेवल 3 से अबव होना चाहिए, ठीक है। वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि रूम ऑनर जो है कैप्टन का, सबसे पहला चीज़ आप कैप्टन होना चाहिए किसी फैमिली के, और फैमिली के कैप्टन ही आपको सेलेक्ट करेगा, 4 रूम आपके सेलेक्ट करेगा अपनी फैमिली से, ठीक है। और आपको सेलेक्ट करना है उसके बीच में आपको 10, 11, 12 से आपका सितंबर से देर अचीवमेंट पीके आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा 13 से 14, 15, ठीक है। 13, 14, 15 सितंबर को आपको पीके होगा। इसमें क्या है पीके में, पहला चीज़ कि 7 से 9 के बीच में आपको शाम को 7 से 9 के बीच में आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, अपना देना पड़ेगा कि आप किस टाइम आप फ्री रहते हो, आपका 4 रूम किस टाइम फ्री रहता है, और चारों को ये सीरियल वाइज से रखना है, सिस्टमेटिक रखना है, ना कि एक ही टाइम पर सब रखना है, ठीक है आपको। और एक चीज़ और, ये चैट रूम में ही होगा, चैट रूम आपका ओपन करके रखना है उसको, चैट रूम को ही रखना है ओपन करके, उसी में आपका पीके होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फैमिली रेटिंग, यदि एक रूम में आप 4 रूम से जीतते हो तभी आपको रैंकिंग बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गोल्ड कॉइन काउंट करेगा, सिर्फ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन आप जितना ज़्यादा ये करोगे रिसीव करोगे उस ये में उस रूम में, तो उतना ही आपको बेनिफिट होने वाले हैं। आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि 1000 कॉइन रैंक्ड टॉप 10 फैमिली रेटिंग। पहला चीज़ कि जैसे एक होता है सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ये सब होता है ना, वो इसी तरह से इसमें भी है, 3 राउंड चलने वाले हैं। पहले में आपको होगा कि आप 1000 से ज़्यादा आपको कॉइन कलेक्ट कर लेते हैं तो आप 10 फैमिली के फाइनल राउंड में आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यदि 3000 या 5000 तक यदि आप ये करते हैं आपका कॉइन रिसीव होता है, रूम रिसीव करता है, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ये टॉप 3 में आप रैंकिंग में आ जाइएगा, ठीक है। इसमें अलग से कुछ नहीं करने का है, ठीक है। आप जितना कॉइन ज़्यादा ये करोगे उतना ही, जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है द पीके वुड बी हेल्ड इन चैट रूम, जैसा कि मैं बताया आपको चैट रूम में ही अकाउंट होगा, वेयर देयर आर 8 सीट, जिसमें 8 सीट होनी चाहिए, सो द रूम ऑनर्स रूम लेवल नीड्स टू बी मोर देन 3, मतलब 3 लेवल के ऊपर, जैसा कि मैं बता चुका आपको। और इसमें क्या है कि द पीके टाइम शुड बी 5 मिनट, यू कुड सेट दिस ऑन द पीके सेटिंग पेज, ठीक है। पीके सेटिंग पेज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पीके सेटिंग पेज आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट करना है कि आपको 5 मिनट का ही पीके है, 5 मिनट के लिए ही आपको हर एक रूम में रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कह रहा है कि टेक द स्क्रीनशॉट व्हेन यू डू पीके, यदि आप जब पीके करते हैं तो उस टाइम का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, सो वी विल नो द कॉइंस गिफ्ट सेंट इन योर पार्टी रूम। जैसा कि ये बोल रहा है कि पार्टी रूम में जो भी आपका गिफ्ट रिसीव होगा वो उसका आप स्क्रीनशॉट एक लेकर रख लीजिए, और यहाँ पे पोस्ट करना होगा, आगे ऑप्शन खुलेगा आपको पोस्ट करने के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिटेल भरना है, तो डिटेल भरने के लिए क्या क्या और क्या कहाँ क्या भरना है वो मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ यहाँ पे दिए हुए है आर यू फैमिली कैप्टन, यदि आप फैमिली कैप्टन हैं तो आप अपना यहाँ पे नाम दीजिएगा, ठीक है। नाम भरना है यहाँ पे, या फिर आईडी नंबर, ठीक है। आईडी नंबर डाल सकते हैं, आईडी नंबर डालिए सबसे बेटर है, क्योंकि नाम से तो कई लोग होते हैं, यहाँ पे आईडी नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है।
और दूसरा चीज़, फैमिली कैप्टन का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ज़रूरी है, ये मैं सेकंड में, आप फैमिली का व्हाट्सएप नंबर भरिएगा, फर्स्ट में आपको कैप्टन का ये भरना है, ठीक है, आईडी भरना है, दूसरा दूसरे का भरना है आपको फर्स्ट रूम ऑनर, फर्स्ट रूम ऑनर का आपका जो सेलेक्ट करेगा ऑनर, उसका उसका रूम नंबर नहीं, उसका आईडी नंबर उसमें डालना है। और आपको टाइम डिसाइड करना है, देखिए जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, 7 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8 से 8:30, 8:30 से 9, ठीक है, इसी के बीच में आपको टाइम रखना है, ठीक है। उसी तरह आप नीचे भी भर सकते हैं, सेकंड रूम ऑनर का भी, सेकंड रूम ऑनर का भी ये भरना है आईडी नंबर, और फिर आपको टाइम देना है। उसी तरह आप तीसरे का भी है, फिर चौथे का, ठीक है, चारों का करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन चला जाएगा, एप्लीकेशन जाने के बाद आपको ये होगा, आपको नोटिफिकेशन फिर आएगा कैप्टन को कि आपके सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। और रिवार्ड की बात करें तो आपको प्री राउंड्स जो है 13-14 सितंबर को होगा, जिसमें रैंक फर्स्ट वाले को आपको सब हर एक फैमिली मेंबर को ये मिलने वाले हैं, ठीक है, किसी को स्पेशल नहीं मिलेगा, हर एक फैमिली मेंबर को ये सब मिलेंगे। आप ये आप देख रहे हैं रैंकिंग में 1, 2, 3, 4, ये जितने भी आपको रैंकिंग दिख रहे हैं, ठीक है, आप रैंकिंग में आप देख सकते हो क्या क्या किसको किसको मिलने वाला है, हर एक फैमिली मेंबर को ये मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो फैमिली कैप्टन एंड द 4 रूम ऑनर विल गेट दिस रिसिप्ट, ठीक है, फैमिली कैप्टन को मिलेगा और 4 रूम ऑनर विल गेट, मतलब 4 रूम ऑनर को भी मिलेगा और फैमिली कैप्टन को मिलेगा, ठीक है। आप नीचे भी देख सकते हो इसमें और क्या दिया हुआ है, पुट योर पार्टी रूम ऑन द रिकमेंडेड पेज वंस रिटर्न 80%। आप एक चीज़ और है इसमें, बहुत अच्छा चीज़ है कि आप जितना भी डायमंड खर्च करोगे, जितना ज़्यादा कॉइन खर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको डायमंड में कन्वर्ट होकर मिलेगा। यहाँ पे दिख रहे हैं अबाउट डायमंड रिवार्ड्स, इट मीन द डायमंड दैट आर जनरेटेड बाय द कॉइन्स, मतलब जैसा कि आप देख रहे हो एक कॉइन्स जनरेट जो होता है डायमंड, उसके बारे में बता रहा है कि जितना ज़्यादा आप पीके के टाइम आप जितना ज़्यादा रिसीव करोगे उतना ज़्यादा आपको डायमंड मिलेंगे। और एक चीज़ और, फैमिली कैप्टन विल गेट 20% ऑफ द डायमंड रिवार्ड्स, मतलब जितना भी रूम में आपको ये खर्च करोगे उसका 20% आपको कैप्टन को जाता है, डायमंड जाएगा कैप्टन को 20%, और 80% एडेड टू द 4 रूम्स ऑनर अकॉर्डिंग द अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब और बाकी 4 रूम के जो ऑनर होंगे उनको डिवाइड होकर मिलेगा इस 80% में, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी 4 रूम के और ऑनर होंगे उनको मिलेगा। और अबाउट द रिकमेंडेड पेज, इट इज़ एक्टिव फॉर 7 डेज, ये 7 डेज के आफ्टर आपको इस इवेंट के जितने भी गिफ्ट हैं आपको 7 दिनों के बाद ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए भी इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप और जिनको भी कुछ जानकारी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।